देश में आज किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। हालांकि कुछ स्थानों पर चक्का जाम के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन कुल मिलाकर यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया था, और इस दौरान देश भर से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर आंदोलन की परमिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यहां कुछ लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पुणे और बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ये 8 तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर और उसके बाद पुणे और बेंगलुरु की तस्वीरें, जहां प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा लुधियाना, पलवल, हैदराबाद और राजस्थान के श्रीगंगानगर की तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां किसानों और आम लोगों की ओर से सड़कों पर जाम किया गया और किसानों के आंदोलन को सफल बनाने का जो तमाम प्रयास है वो भी किया गया। तो देश भर में किसानों के चक्का जाम का जो असर है वो दिखाई दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में 12 से 3 बजे तक चला चक्का जाम अब खत्म हो गया है। किसान नेताओं ने चक्का जाम खत्म किए जाने का जो ऐलान है वो भी कर दिया है, और इस दौरान देश के कई हिस्सों में चक्का जाम का असर दिखाई दिया।